बिहार शरीफ में सोमवार की शाम को एक सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लहेरी थाना क्षेत्र के सोनारपट्टी गली में चार बदमाश ग्राहक बनकर एक गहने बनाने वाले कारखाने में घुसे और सभी को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। बदमाशों ने कारखाने में जेवरात ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कर्मियों के साथ मारपीट की और नगद रुपये लूटकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने शोरगुल सुनकर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले। घटना के बाद लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं स्वर्ण व्यवसायियों ने सुरक्षा की मांग की है। नकाबपोश बदमाश चार की संख्या में थे। शाम 5:30 बजे के करीब वह मोहम्मद शमसुद्दीन के घर स्थित कारखाना में घुसे, जहां परिवार वालों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया, फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने कारखाने के अंदर लगे CCTV और DVR को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह घटना घनी आबादी वाले इलाके में हुई है। इससे बाजारवासी समेत स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। वहीं स्वर्ण व्यवसायियों का कहना है कि सर्राफा बाजार में पुलिस की गश्ती नहीं रहने के कारण अपराधियों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। घटना की सूचना पाकर DSP नूरुल हक और लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। DSP ने बताया कि पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज के माध्यम से अपराधियों की तलाश में जुट गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसपास सूचना प्राप्त हुई कि लहेरी थाना अंतर्गत लहेरी मोहल्ला में एक आभूषण कारीगर है, उसके यहाँ कुछ अपराधी घुसे हुए हैं एवं लूटपाट के प्रयास में फायरिंग किए हैं। तत्काल बिहार एवं लहेरी थाना के साथ वहाँ रस किया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ जो कारीगर है राजू, उनके द्वारा बताया गया कि चार की संख्या में अपराधी आए थे, लूटपाट का प्रयास किए। भीड़ इकट्ठा हो जाने के कारण जो गल्ला में 3 से 5 हजार के आसपास करीब रुपया जो रखा हुआ था उसको लेकर निकल गए एवं निकलने के क्रम में 3-4 फायरिंग किए हैं। घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया है तथा उनके भागने के रास्ते में सघन छापेमारी की जा रही है। सभी बिंदुओं पर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है। बोला तुम भी आओ, हम बोले कि नहीं हम जा रहे हैं, हमको रोजा खोलना है, तो हम भाग गए दोनों बेटा को लेकर। और दरवाजा जब खोले हम तब इन लोगों को रास्ता मिला जाने का, तो निकल गए। कितने की संख्या में था वो? यहाँ पर दो थे, हम दो को देखे, बाकी अंदर का नहीं था। अंदर मतलब चार होंगे लोग, हाँ अंदर का यहाँ पे एक यहाँ पे। अंदर में फायरिंग में क्या? वहाँ वाला आकर हमें अंदर फायरिंग में क्या? जब भागे तब फायरिंग शुरू हो गया। अंदर में सोग्रा बस स्टेट के अंदर में हम लोग रेंटर हैं। हम लोग अंदर में अंदर का आदमी जाके हल्ला किया कि पीछे में डकैती हो रहा है राजू का, तो हम लोग इधर से आए तो यहाँ तक आए हैं, तो DAV तक आए हैं तो देखा अंदर से निकल के एक आदमी फायर कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, हम लोग अपना जान बचा के आगे भागे तो हम लोग के पीछे पीछे तक भागा है रोड तक। उसके बाद फिर हम लोग वहीं पर खड़े रहे तो उसके इत्मीनान से गाड़ी लेके, एक तो पैदल था, 3 आदमी गाड़ी पे था, एम धीमे धीमे करके आगे महिला कॉलेज के तक भागा। आदित्य सूट जी हथियार, एक आदमी हथियार लहराते हुए गया है। तो बार करते हैं। ये सोना चांदी गलाते हैं, समझा फाटी सबका। हम तो घर से हम गए थे पेप्सी लाने, तब पेप्सी लाने के बाद हम अंदर आए ना तो वहाँ पर मेरे घर के बाहर ना वहाँ बैठा सब खड़ा था वहीं पे। तो फिर हम ना अंदर आए ना तो मेरे बड़े बोले क्या क्या बात है, तो उसने तुरंत गन निकाला। तो हम तुरंत बाहर निकलते हुए गए, फिर आदमी लोग को बोला, फिर आदमी लोग उधर से पूरा घूम घाम के फिर आवाज़ वाज किया ना, फिर हम लोग गए पुलिस के पास। पुलिस तो वहीं बस मोबाइल चला रहा था, कुछ कर ही नहीं रहा था। फिर हम लोग आए तो देखा कि वो सब भाग गया है। बोले अब मेरे अबू बोले कि 3 बार फायरिंग भी किया था। पैसा वैसा जो था ऊपर में सब। क्या काम करते हैं आप? क्या अब सोना गलाते हैं कारीगर लग तो वही जो हो कि पूरे बिहार प्रांत में कहीं ना कहीं हर जगह खाली जेवरिया का टारगेट किया जा रहा है, खाली जेवर दुकान लुटा रहा है। या तो प्रशासन का पूरी तरह से ढिलाई है, अन्य तो फिर ऊपर का कोई प्रोग्राम है, यही कहना है। इस पर प्रशासन और सरकार से भी विनती है कि इस पर पूरा ध्यान दें। प्रशासन तो इस जगह पे चौक पे होना चाहिए, काहे कि हर ज़िले में सराफा मंडी जो होता है वो हर ज़िला का एक नाक होता है, वो जगह कीमती जगह है। यहाँ पर प्रशासन का हमेशा रहना चाहिए, कभी मोड़ से ई मोड़, ई मोड़ से ई मोड़ होना ज़रूरी है।